हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। एक बार फिर से मैं हूं अंकुर तनेजा और आज हमारे साथ खड़ी है मर्सिडीज बेंज की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी EQA। चलाने वाले आज हम इसको यहां पर पिंक सिटी जयपुर में, परखेंगे किस तरह का परफॉर्मेंस इस गाड़ी में देखने को मिलता है, किस तरह की रेंज ये गाड़ी ऑफर कर रही है, क्या फीचर्स दिए गए हैं और ऑल्सो किस तरह की ड्राइव और हैंडलिंग इस मर्सिडीज बेंज की EQA में देखने को मिल रही है। बात करने वाला हूँ उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में, और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बताऊंगा आपको धासु और नॉर्थ धासु एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस EQA को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो डिजाइन की पहले बात करते हैं तो यहां पर सेंटर में वही जो मर्सिडीज की EQ सीरीज वाली गाड़ियों में देखने को मिलता है, यहाँ पर लोगों की भरमार है, बट यहाँ पर वो डिज़ाइन EQ वाला देखने को मिलेगा। 3-स्टार मर्सिडीज के लोगों काफ़ी सारे हैं, सेंटर में बड़ा सा अगेन 3-स्टार मर्सिडीज का लोगो है। 360 कैमरा आता है तो फ्रंट में, साइड में, मिरर्स में एंड रियर में आपको कैमरा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर इसमें आपको प्रोजेक्टिव हेडलैम्प्स, LED DRLs एंड हाई परफॉर्मेंस LED लाइट्स मर्सिडीज की जो होती हैं, ब्लू एक्सेंट्स यहाँ पर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएगा। क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको इसके बम्पर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। सेंसर्स थ्रू आउट देखने को मिल जाएंगे एंड ये जो है इसका AMG लाइन वाला वेरिएंट है। अब इसमें जो है अभी फिलहाल एक ही वेरिएंट मर्सिडीज लेकर आई है इंडिया में, जो है AMG लाइन वाला वेरिएंट ही अभी ऑफर करा जाएगा, उसके अलावा कोई और वेरिएंट नहीं होने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको AMG स्टाइल एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। व्हील के साइज़ की बात करूँ तो 19 इंच 225 सेक्शन के यहाँ पर आपको व्हील्स इसमें देखने को मिलेंगे एंड सेंटर में वही AMG स्टाइलिंग एंड मर्सिडीज बेंज का लोगो आपको यहाँ पर व्हील हब में भी देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल GLA वाला स्टांस अगर आपको याद है तो वैसा ही कुछ प्रोफाइल है इसका। साइड प्रोफाइल की बात करें, ओवरऑल डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक वैसा ही है, अपार्ट फ्रॉम जो इलेक्ट्रिक वाले एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर इसमें ऐड करे गए हैं, इसके अलावा सब कुछ आपको GLA वाला फील ही देगा इस EQA के अंदर भी। क्रोम के एक्सेंस आपको इसके डोर्स के आसपास, विंडोज़ के आसपास देखने को मिल जाएंगे। नीचे भी क्रोम का इस्तेमाल करा गया है एंड क्रोम दो हैंडल्स मिलते हैं। एंड रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड लाइट देखने को मिलेगी, जो टेल लाइट इसमें दी गई है एंड LED लाइटिंग है। EQA 250 प्लस वाला वेरिएंट है, हालांकि इंटरनेशनली EQA 250 वाला वेरिएंट भी है जहाँ पर इससे छोटा बैटरी पैक उस गाड़ी में आता है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल एक ही बैटरी पैक ऑप्शन इस EQA में मर्सिडीज दे रही है। यहाँ पर स्किड प्लेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी क्रोम में एंड सेंसर्स, एंड यहाँ पर जो 360 कैमरा दिया गया है, जो कैमरा जो है इस लोगो के पीछे ही है, आप रिवर्स में गाड़ी लगाएंगे तो वो पॉप आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे वो आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा स्टांस वगैरह ओवरऑल यस SUV वाला है एंड गाड़ी देखने में सॉलिड फील जरूर होती है। अगर स्टांस की मैं बात करूँ, चलाने में इतनी सॉलिड है, बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले अंदर चलते हैं और फीचर्स क्या दिए गए हैं, किस तरह का कैबिन फील है, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब इंटीरियर की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर ये बड़ा सा सिंगल डिस्प्ले जो कि मर्सिडीज बेंज की हाल ही में जो अपडेटेड गाड़ियाँ आई हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिला, तो वो भी अब इसमें दिया गया है EQA में। एंड यहाँ पे आपको दो भागों में डिवाइडेड है, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड यहाँ पर आपको सेंटर में इसका डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा जो कि फुल डिजिटल दिया गया है। फीचर्स वगैरह एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपको वायरलेस मिलते हैं एंड इसके अलावा रेडियो, मीडिया सेटिंग्स, फोन कनेक्टिविटी वगैरह एंड स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं वो सब भी इसमें देखने को मिलेंगे। एंड एप्स, कम्फर्ट सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ ADAS वाले फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि कोलिजन अवॉइडेंस का ऑप्शन दिया गया है, एक्टिव ब्रेक असिस्ट वगैरह, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड असिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पे कोटेंशन असिस्ट वगैरह, ट्रैफिक लाइट यू, ये सब फीचर्स यहाँ देखने को आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये सब फीचर दिए गए हैं, हालांकि इसमें जो है एक फीचर दिया गया है ऑगमेंटेड रियलिटी को लेकर, यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कैमरा यहाँ पे इसका ऑन हो जाएगा, वो फीचर आपको चाहिए तो आपको कहीं टर्न लेना है तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको वो वहाँ पे सिग्नल देगा, तो वो एक फीचर है जो यहाँ पे इसमें दिया गया है जो कि मुझे लगता है काफ़ी जगह पे काम का साबित होने वाला है। सेंटर में आया तो यहाँ पर ये रोज़ गोल्ड एलिमेंट यहाँ पर इसके AC वेंट्स में देखने को मिलेगा। 3 सेंटर में AC वेंट्स दो साइड में दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, AC कंट्रोल्स दिए गए हैं, फैन एडजस्ट के 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, USB-C चार्जिंग पॉइंट, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, डायनामिक कंट्रोल जहाँ पर आपको इसमें 4 मोड मिलते हैं, कंफर्ट, इको, स्पोर्ट और इंडिविजुअल, तो 4 मोड का ऑप्शन यहाँ पे है एंड पार्क असिस्ट वाला फीचर देखने को मिलेगा। इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल का भी बटन यहाँ पे फिजिकल बटन दिया गया है। यहाँ पे कुछ पैड, थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह है, आर्म रेस्ट, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट या अंदर की तरफ भी इसमें दिए गए हैं। स्टेयरिंग फ्लैट बॉटम एंड वही सेम टच वाली फील जो हाल ही में मर्सिडीज की और भी गाड़ी में हमने देखी है, तो यहाँ पर अब EQA भी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये पैडल्स आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पैडल का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ मतलब है क्योंकि यहाँ पे आपको इसका जो रीजनरेशन है उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आप पैडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 लेवल है रीजनरेशन के, यहाँ पे आपको नॉर्मल, एक स्ट्रॉन्ग और एक मैक्सिमम, तो ये 3 सेटिंग में आप रख सकते हैं, यानी कि
अगर आप ब्रेकिंग कम रखना चाहते हैं, आपको ब्रेक ज़्यादा नहीं लगानी है, आपको सिटी में चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी नहीं है, तो यहाँ पे ये आप उस रिकपरेशन का यूज़ कर सकते हैं या रिजनरेशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी ब्रेकिंग भी लग रही है और गाड़ी की बैटरी भी साथ साथ चार्ज हो रही है। तो ये कुछ फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे आप वॉइस कमांड वगैरह इंफ्रेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन एंड राइट साइड में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के बटन यहाँ राइट साइड में दिए गए। क्रूज कंट्रोल वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। एंड ओवरऑल फील जो है प्रीमियम है, मर्सिडीज बेंज की गाड़ी है तो वहाँ पर कोई कमी मर्सिडीज नहीं छोड़ी है। सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर स्टिच एंड यहाँ पे स्टार पैटर्न जो दिया गया है रात में जो है बेहद ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे पूरा लिट होता है एंड एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह फीचर्स यहाँ सब देखने को मिल जाएंगे। बोमेस्टर का साउंड सिस्टम दिया गया है एंड यहाँ पर भी आपको स्टार पैटर्न, एम्बिएंट लाइटिंग एंड लेदर स्टिच वगैरह देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे एल्युमिनियम फिनिश आपको डोर्स में देखने को मिल जाएगा। एंड सीट्स जो हैं यहाँ पर मर्सिडीज कह रही है कि रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है इनको बनाने के लिए। यहाँ पे रोज गोल्ड प्लस लेदर कॉम्बिनेशन आपको इसकी सीट्स पे भी देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट जो सीट्स हैं ड्राइवर और पैसेंजर वो आपको पावर्ड सीट इसमें मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर जो एक चीज़ मिसिंग मुझे लगी यहाँ पर बैठने के बाद, गाड़ी का प्राइस तकरीबन 60-65 लाख के आसपास जाएगा एक शोरूम, लेकिन यहाँ पर वेंटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। हालांकि GLA में भी नहीं आता लेकिन यहाँ पर EQA में भी देखने को वो नहीं मिल रहा, सो वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन चलते हैं आप पिछली कतार में, वहाँ पर स्पेस का मामला कैसा है, किस तरह कम्फर्ट है उसको भी एक बार देखते हैं। अब पीछे बैठने के बाद यहाँ पर हालांकि स्पेस की कोई कमी मुझे नहीं लग रही है, यहाँ पे लेगरूम वगैरह अच्छा है, लेकिन सबसे पहली कमी बैठती मुझे लगी वो है थाई सपोर्ट की। इफ आई वांट टू स्प्रेड माय लेग्स फिर भी थाई सपोर्ट ना के बराबर है, तो यहाँ पर मुझे लगता है ये चीज़ मिसिंग है क्योंकि ये सीट जो है एकदम फ्लैट है, तो थाई सपोर्ट मुझे लगता है इसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है। इसके अलावा आर्मरेस्ट वगैरह दिया गया है, यहाँ पे दो कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे एंड सेंटर में AC वेंट्स, दो USB-C चार्जिंग पॉइंट्स हैं, थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह इधर दी गई है। टॉप पॉकेट्स वगैरह में यहाँ पे बॉटल रखने की जगह है, बट आई डोंट थिंक 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे आप इजीली रख पाएंगे, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है यहाँ पे पीछे बैठने के बाद। हालांकि डोर का साइज़ भी आप देखेंगे काफ़ी कॉम्पैक्ट सा लगता है। अब सेगमेंट कुछ ऐसा है बट मामला ओवरऑल कम्फर्ट को लेकर हूँ, कुशनिंग वगैरह सीट्स की अच्छी लग रही है, हेडरूम मेरे हिसाब से अच्छा है एंड ऑल्सो इसमें सनरूफ भी दिया गया है, सो पीछे से थोड़ा नज़ारा और बेहतर अगर आप पीछे बैठे तो इस सनरूफ के जरिए जरूर। तो ये कुछ बात हुई इस मर्सिडीज बेंज की ऑल न्यू EQA की एक्सटीरियर और इंटीरियर को लेकर जो यहाँ पर इसमें ऑफर करे जा रहे हैं। अब जो रेंज मर्सिडीज बेंज इस इलेक्ट्रिक EQA में ऑफर कर रही है या क्लेम कर रही है अराउंड 550 किलोमीटर के आसपास, तो परफॉर्मेंस किस तरह का है, किस तरह की ड्राइव और हैंडलिंग है एंड ओवरऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के साथ साथ कितनी तेज तर्रार ये महसूस होती है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। अब बात करते हैं इस मर्सिडीज बेंज की EQA 250 प्लस की परफॉर्मेंस, ड्राइव और हैंडलिंग के बारे में और किस तरह की रेंज, थोड़ा बहुत जो हमने इसको चलाया यहाँ जयपुर की सड़कों पर तो वहां पर किस तरह की रेंज हमें देखने को मिली है। सो ओवरऑल अगर रेंज की बात करूँ, जो क्लेम्ड रेंज WLTP रेंज मर्सिडीज कह रही है इस EQA की वो है अराउंड 560 किलोमीटर की, तो मुझे लगता है रियल वर्ल्ड कंडीशंस में 450 से 470 के बीच में ये आपको रेंज जरूर दे पाएगी अगर आप इसको नॉर्मल कंडीशंस में ड्राइव कर रहे हैं। वहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आप एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वहाँ पे ऑफकोर्स आपको रेंज थोड़ी कम यहाँ पे इसकी मिलने वाली है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो पावर फिगर्स जो है इसके अराउंड 188 BHP पावर है और अराउंड और 385 Nm का पीक टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है, तो वहाँ पर पावर और टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई कमी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर इस EQA में देखने को आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इंडिया में फिलहाल मर्सिडीज अभी सिर्फ एक ही EQA के वेरिएंट को लेकर आई है, तो परफॉर्मेंस और टॉक अच्छा खासा है। ड्राइव के दौरान भी स्पेशली जब स्पोर्ट मोड में आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो वहां पर ये गाड़ी तेज तर्रार महसूस होती है और परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत वहां पर इस मर्सिडीज बेंज EQA में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दो और एस्पेक्ट जो मुझे इस EQA में काफ़ी बेहतर लगे, स्पेशली एक स्टेयरिंग रिस्पांस वाला जो एलिमेंट है वहाँ पर जो स्टेयरिंग का फीडबैक है काफ़ी अच्छा है, सिटी कंडीशंस में भी और हाईवे पर भी गाड़ी काफ़ी स्टेबल और प्लांटेड महसूस होती है, तो वहाँ पर भी ये एलिमेंट इसका ड्राइव एक्सपीरियंस ज़रूर एनहेंस करता है। इसके अलावा जो है सीट्स का जो होल्ड है वो भी अच्छा है, फ्रंट सीट्स की अगर बात करें, रियर सीट्स में ऑफकोर्स वहाँ पे थाई सपोर्ट की कमी है लेकिन फ्रंट सीट्स का जो होल्ड है अच्छा खासा है एंड कंफर्टेबली महसूस होती हैं। कुछ एक आध फीचर हालांकि मिसिंग है बट ओवरऑल फ्रंट रो का मामला इन टर्म्स ऑफ ड्राइव की अगर बात करें स्पेशली ड्राइवर सीट की तो वहाँ पर काफ़ी सॉर्टेड महसूस होता है। फिर इसके बाद सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करें तो मामला वहाँ पर मुझे सॉर्टेड महसूस हुआ। अब इस तरह की पावर या टॉक वाली गाड़ी को रोकने के लिए अच्छी ब्रेकिंग पावर चाहिए होती है, अच्छी बाइट चाहिए होती है, तो वो भी इस EQA में जरूर देखने को मिलती है। अगर आप तेज रफ्तार में हैं, धीमी रफ्तार में सिटी में बैक टू बैक ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ब्रेक्स की जो बाइट है काफ़ी प्रिसाइज है और ब्रेकिंग में भी कोई दिक्कत मुझे इस ड्राइव के दौरान देखने को नहीं मिली है इस मर्सिडीज बेंज EQA के अंदर।
सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो मामला वहाँ पर भी सॉलिड महसूस होता है। जो ओवरऑल बैलेंस है सिटी और हाईवे ड्राइव्स के हिसाब से चाहिए होता है, तो वो बैलेंस भी काफ़ी अच्छा मर्सिडीज़ ने इस गाड़ी में रखा हुआ है। तो उस जगह अगर आप हाईवे पर भी इसको तेज तर्रार भगा रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छा बैलेंस स्पिन सेटअप का देखने को मिलता है। और सिटी में भी अगर आप बैक टू बैक स्पीड ब्रेकर्स या पॉट होल्स आ रहे हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन स्पिन सेटअप की जो ट्यूनिंग है वहाँ पर ज़रूर इसमें देखने को मिला है। अब प्राइसिंग की बात करें तो 66 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर मर्सिडीज बेंज ने इस EQA 250 प्लस वेरिएंट को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो अब बात करते हैं धांसू और नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस ऑल न्यू मर्सिडीज बेंज EQA को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉर्थ और धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है वेंटेड सीट्स का फीचर का ना होना। तो ये एलिमेंट मुझे लगता है यहाँ पर मिसिंग है और काफ़ी लोगों को इस प्राइस पॉइंट मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेशन होती है कि एटलीस्ट ये वाले फीचर्स कुछ यहाँ पर गाड़ियों में दिए जाएं, बट यहाँ पर वो मिसिंग है। देन दूसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है मिसिंग है इस गाड़ी में वो है सेकेंड रो में जो है वहाँ पे थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, वहाँ पर वो ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज है। आपको थाई सपोर्ट अच्छा इसकी सेकेंड रो में देखने को नहीं मिलने वाला है। देन तीसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, बट गाड़ी का साइज़ जितना है उसी हिसाब से आपको बूट स्पेस या कैबिन स्पेस मिलेगा। एंड वहाँ पर 340 सीटर का बूट स्पेस मुझे लगता है अगर चार लोग जा रहे हैं फैमिली के तो उनके लिए थोड़ा सा वो टाइट ज़रूर पड़ सकता है। अब धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मर्सिडीज बेंज की EQA को एक्सपीरियंस करने के बाद। सबसे पहला जो है डिज़ाइन को लेकर, स्पेशली जो फ्रंट एंड है, अब मर्सिडीज की और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हमने देखा है तो ये जो पैटर्न है ये डिज़ाइन है फ्रंट का वाकई में देखने में अच्छा लगता है। एंड ये 3-स्टार लोगो जो दिए गए हैं भरपूर इसमें यहाँ पे, तो ये भी पैटर्न डिज़ाइन वगैरह फ्रंट एंड का मुझे काफ़ी अच्छा देखने को इसमें लगता है। इसके अलावा सेकेंड एलिमेंट जो मुझे इसमें अच्छा लगा है वो है इन टर्म्स ऑफ कैबिन फील, जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है, लेदर स्टिच, सॉफ्ट टच मटेरियल एंड फीचर्स की बात करें तो वहाँ पर कुछ को अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो उसके अलावा तो काफ़ी कुछ इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी इस गाड़ी में आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर, जो गाड़ी का ओवरऑल ड्राइव हैंडलिंग है काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग रिस्पांस काफ़ी अच्छा है एंड साथ साथ जो गाड़ी का इनिशियल रिस्पांस है इन टर्म्स ऑफ एक्सलेशन वो भी काफ़ी तेज तर्रार है, तो वो भी जो एरिया है मुझे यहाँ पर इस EQA में सॉर्टेड देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूँ कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर आप ये गाड़ी ले सकते हैं अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जैसे कि इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिलता है, डिज़ाइन जो है डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, तो वहाँ पर फ्रंट एंड स्पेशली काफ़ी देखने में इसका अच्छा लगता है। और इसके अलावा अगर आपको फीचर्स डिसेंट चाहिए तो वहाँ पर भी इस गाड़ी में वो दिए गए हैं। और अंत में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के नाते एक अच्छी प्रॉमिसिंग रेंज आपको चाहिए, अगर आप इंटरसिटी भी ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा नहीं बट कभी कभार, तो वहाँ पर मुझे लगता है जो 450 से 470 के आसपास का रियल वर्ल्ड नंबर है वो भी आपकी इन रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर पूरा करेगा। सिटी के साथ साथ आप थोड़ा बहुत इंटरसिटी ट्रैवल भी इस रेंज के साथ इस मर्सिडीज बेंज की EQA में कर पाएंगे। तो ये अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी कुछ नीड्स हैं, तो मुझे लगता है इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इस मर्सिडीज बेंज की एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक गाड़ी EQA की तरफ जा सकते हैं।